हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद ऑक्सीजन. अमोनिया इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, एक केस. दूसरा, अमोनिया इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट. तो इसके दो केसेस बनते हैं. अमोनिया ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया बिना किसी कैटलिस्ट के. दूसरा, अमोनिया रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट. तो दोनों के सिनेरियोस एकदम अलग है और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए कि अमोनिया इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन बिना कैटलिस्ट के, अमोनिया इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन विद कैटलिस्ट. तो जो अमोनिया पहले देखते हैं, अमोनिया इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन. अमोनिया इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन. हमने कोई भी कैटलिस्ट नहीं लिया है. हमारा गैस जो बनेगा वो है नाइट्रोजन. तो अमोनिया जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, बर्निंग ऑफ ऑक्सीजन, बर्निंग ऑफ अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो जब अमोनिया ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और कोई कैटलिस्ट हम लोग यूज नहीं करते हैं, तो उस टाइम पे हमारा ग्रीनिश येलो फ्लेम के साथ ये बर्न करता है अमोनिया, और जो गैस लिबरेट होता है वो है नाइट्रोजन. तो अमोनिया प्लस ऑक्सीजन अगर कैटलिस्ट नहीं है तो गैस कौन सा एमिट होगा? नाइट्रोजन. ठीक है, इसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं. यहां पे 4 लगेगा, यहां पे 2, 12 हो गया, ये 6, तो ऑक्सीजन हो गया 3. तो 4 अमोनिया, 3 ऑक्सीजन, गिविंग यू 2 नाइट्रोजन एंड 6 वाटर. इज इट क्लियर? तो अमोनिया ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, गैस मिलेगा नाइट्रोजन. सेम अगर अमोनिया ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और हमने कैटलिस्ट ले लिया है प्लैटिनियम, तो नाइट्रोजन गैस नहीं मिलेगा. अगर कैटलिस्ट हमने नहीं लिया है तो नाइट्रोजन गैस मिलेगा. अगर हमने कैटलिस्ट लिया है प्लैटिनियम, तो हमें नाइट्रोजन नहीं मिलेगा, हमें मिलेगा नाइट्रिक ऑक्साइड. वी शैल बी गेटिंग द गैस नाइट्रिक ऑक्साइड. समझ में आया? तो जब भी अमोनिया को रिएक्ट कर रहे ऑक्सीजन के साथ, कैटलिस्ट नहीं नाइट्रोजन, कैटलिस्ट हां तो नाइट्रिक ऑक्साइड. इज इट क्लियर? तो इसको भी हम लोग बैलेंस कर देते हैं. इसको बैलेंस कर देते हैं, 4 यहां पे, 4 यहां पे, 6 यहां पे, 5. इज इट क्लियर? तो अमोनिया रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, और अगर कैटलिस्ट नहीं है तो हमें मिलेगा नाइट्रोजन गैस, और अगर कैटलिस्ट है प्लैटिनियम, और इसमें टेम्परेचर यूज होता है 800 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसमें मिलता है हमें नाइट्रिक ऑक्साइड. ठीक है, तो ये हो गया बर्निंग ऑफ अमोनिया इन ऑक्सीजन विद ऑक्सीजन. ये क्या हो गया? कैटलिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया. इज इट क्लियर? एक में हमने खाली ऑक्सीजन के साथ उसको बर्न किया है, दूसरा में हमने कैटलिस्ट को यूज करके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया है. तो ये बहुत ध्यान रखना अपने क्वेश्चन में कि अमोनिया व्हेन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन नेम द गैस इवॉल्व, तो उसका आंसर होगा नाइट्रोजन. इन प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट प्लैटिनियम, अमोनिया ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो नेम द गैस इवॉल्व, तो उसका आंसर होगा नाइट्रिक ऑक्साइड. ठीक है, तो अब फर्दर भी देख सकते हैं. ये अगर नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ और रिएक्ट करेगा, टेम्परेचर अगर मैं 50 डिग्री कर दूं, तो ये मेरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाता है. पहले नाइट्रिक ऑक्साइड कलरलेस होता है, उसको जब 50 डिग्री ऑक्सीजन के साथ और रिएक्ट करते हैं तो रेडिश ब्राउन गैस हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल जाता है. इज इट क्लियर? इसको भी हम लोग बैलेंस कर सकते हैं. समझ में आया? तो यही हमें देखना है इसमें, ये टॉपिक में, अमोनिया रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, कैटलिस्ट यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग, डायरेक्टली उसको बर्न कर रहे हैं इन द एनवायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन, वी शैल बी गेटिंग नाइट्रोजन गैस, और अगर कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं हम लोग तो हमें नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगा. ये फर्दर हम लोगों का बेसिक रिएक्शन हो गया ऑसवर्ड प्रोसेस का, जो कैटलिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया है. इसको फर्दर वीडियो में मैं अलग से ऑसवर्ड प्रोसेस बता दूंगा, जिसके स्टार्टिंग के रिएक्शंस यही हो गए. तो आज हमने देखा है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया जिस रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, पहला विदाउट द कैटलिस्ट, दूसरा विद कैटलिस्ट. थैंक यू.